and Haloarene के बारे में बोलते हैं. Haloarene Haloalkanes and Haloarenes. तो देखो हैलो बोलते हैं हैलोजन को. ट्वेल्थ का फर्स्ट टॉपिक है. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हम लोग बोलते हैं हैलो या हैलोजन. और अल्केन बोलते हैं सी एन एच टू एन प्लस टू पे जो सेट कर जाएगा इसी को बोलते हैं अल्केन है. और अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो बना देगा सी एन एच टू एन प्लस वन. इसी को बोल देते हैं अल्काइल ग्रुप है. अल्काइल ग्रुप अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्काइल ग्रुप इसको आर से लिखते हैं. तो यहां एक बॉन्ड फ्री हो गया. एन के जगह पे अगर हम वन रखेंगे तो डेट इज सी एच थ्री. एन के जगह पे टू रखेंगे तो सी टू एच फाइव. और एन के जगह पे थ्री रखेंगे तो सी थ्री एच सेवन सो ऑन. और ये आर एक्स लिख देते हैं ना इसको बोल देते हैं अल्काइल हैलाइड. ये हो गया अल्काइल हैलाइड या इसी का दूसरा नाम होता है हैलो अल्केन्स. अल्केन से हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे हैलोजन को पुट कर देते हैं तो जो ग्रुप बनेगा उसी को बोल देते हैं हैलोअल्केन्स या अल्काइल हैलाइड. ये ओपन चेन जैसे यहाँ पे आर के जगह पे अगर हम सी एच थ्री रखते और ये रख देते आर के जगह पे हम रख सकते थे सी एच थ्री सी एच टू और सी एल. आर के जगह पे रख सकते थे सी एच थ्री सी एच टू और बी आर. इस तरीका से इसको हम बोल देते हैं हैलोअल्केन्स. अब हैलोअरीन किसको बोलते हैं. तो हैलोअरीन्स बोलने के लिए बेंजीन से ये बेंजीन हो गया. बेंजीन बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं ये बना देगा फिनाइल ग्रुप सी सिक्स एच फाइव डेट इज फिनाइल. कहीं से निकाल सकते हैं सी सिक्स एच सिक्स था इससे एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो सी सिक्स एच फाइव इसी को फिनाइल बोलते हैं या इसी को बोल देते हैं एरीन है ना. और इसके जगह पे अगर हैलोजन को जोड़ देंगे जहां पे निकला है उसके जगह पे यहां पे फ्लोरीन रख सकते हैं क्लोरीन रख सकते हैं ब्रोमीन रख सकते हैं इसको बोल देते हैं हैलो एरीन. अगर यहां पे सीएल रख देते हैं तो क्लोरो एरीन या क्लोरो बेंजीन भी कह सकते हैं इसको. ये बॉन्ड फ्री था तो हैलो एरीन का मतलब समझ गए कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल के उस जगह पे एक हाइड्रोजन को पुट कर देंगे हाँ तो उसको हम बोल देते हैं हैलो एरीन है. और अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह पे हैलोजन को रख देंगे तो उसको हम बोल देते हैं हैलो अल्केन्स है या अल्काइल हैलाइड है. अल्काइल हैलाइड बोले या हैलो अल्केन्स बोले बात बराबर है. आर का मतलब होता है सी एन एच टू एन प्लस वन पे जो सेट कर जाएगा इसी को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप. तो ये आपका बेसिक हो गया. इसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स के बारे में यहां पे हम स्टडी करने जा रहे हैं. कुछ बेसिक बात का पहले भी हम बताए हैं अभी भी बता रहे हैं ये ग्रुप है इसको बोलते हैं प्रोपेन. प्रोपेन से इसको बोलेंगे वन डिग्री कार्बन है इसको बोलेंगे टू डिग्री कार्बन है इसको बोलेंगे वन डिग्री कार्बन. तो वन डिग्री कार्बन से कहीं से भी हाइड्रोजन अगर निकालते हैं तो ये बना देता है सी एच टू सी एच टू और सी एच थ्री इसको बोल देते हैं प्रोपाइल. और अगर यहां से हम लोग निकाल देते हैं इस जगह से टू डिग्री से इसको बोल देते हैं आइसो प्रोपाइल ऐसा. और अगर ब्यूटेन रहता सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ये दोनों है वन डिग्री तो अगर यहां से निकालेंगे
तो हो जाएगा CH2 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 और CH3। इसको बोल देते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, और अगर यहां से हम 2 डिग्री से निकालेंगे हाइड्रोजन तो यह आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। स्पेशल नेम है, ध्यान देना है। और अगर ऐसा रहे, तीसरा पॉइंट हम यहां लिख देते हैं, एक होता है आइसो ब्यूटेन, ब्यूटेन का दो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला बात। तो अगर ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, अगर यहां से निकाल दे, इसका नाम होता है आइसो ब्यूटेन, और आइसो ब्यूटेन से अगर हाइड्रोजन को निकालिएगा तो हो जाएगा CH2 ऐसा, इसको बोल देंगे आइसो ब्यूटाइल। और यहां से अगर हम बात कर लेते हैं, यहां से अगर निकाल देते हैं इस जगह से 3 डिग्री से, तो आ जाएगा CH3 सी, इधर भी CH3 नीचे भी CH3, इसको हम बोल देते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। तो बात को क्लियर कर लीजिए, 6 नाम हम लोग दिए यहां पे। प्रोपेन से अगर 1 डिग्री से निकाले तो प्रोपाइल, 2 डिग्री से निकालेंगे तो आइसो प्रोपाइल, अगर यहां से निकालेंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल, यहां से निकालेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसमें अगर यहां से निकालेंगे तो हम बोल देंगे आइसो ब्यूटाइल है, अगर यहां से निकालेंगे 3 डिग्री से तो टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो इस नाम को आप ध्यान दोगे। नाउ अभी हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, हैलोअल्केन्स को क्लासिफाइड किया गया है किसके बेसिस पे, तो उसको हम लोग देखते हैं। ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लो, CH3 CH2 और X ये दे रहे हैं, CH3 CH नीचे CH3 दे देते हैं और इधर भी X, तीसरा CH3 C ऊपर CH3 नीचे CH3 और X, और चौथा CH3 इसको हम बोलेंगे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहे उसको ढक दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहे उसको ढक देते हैं, इसको हम बोलेंगे ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोल देंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहे उसको ढक दीजिए, ये 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बोल देंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहे उसको ढक देना है, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। डिग्री पहचानने के लिए सिंपल सा बात है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम ढक देते हैं, और वो जितना कार्बन से जुड़ा रहेगा उतना डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा। जैसे फिर से हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ इसको ढकते हैं, एक कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहे उसको ढक देते हैं ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहे उसको ढक देते हैं ये 3 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहा है उसको ढक देते हैं ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और इसके बेसिस पे आप कुछ एग्जांपल हमसे ले सकते हो, जैसे इसके बारे में हम पूछ लेंगे कितना डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको ढक दीजिए, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको हम बोल देंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको ढक देना है, और जिस जितना डिग्री का होगा, जैसे इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला 1 डिग्री का है ना। इस तरीका से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर इसका हम चर्चा में ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हैलोजन है, इसके बारे में पूछेंगे तो ये हैलोजन जो है, देख लीजिए ये कार्बन के बारे में हम बात करते हैं तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन, 1 डिग्री को प्राइमरी भी लिखता है, इसको बोल सकते थे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसको बोल देंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसको बोल देंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री का नाम होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। आओ इसके बाद कुछ और हम स्पेशल नेम देख रहे हैं।
एलाइलिक हेलाइट इसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड के जस्ट एलाइलिक पोजीशन इसको बोलते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड है इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। और अगर उस जगह से हैलोजन जुड़ जाएगा, अगर यहां पे कोई हैलोजन जुड़ा रहे, हैलोजन की जगह तो कुछ भी हो सकता होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको हम बोल देंगे एलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन, जैसे ये रहता है, ये डबल बॉन्ड अगर यहां है तो इस वाले और इस वाले पोजिशन को हम बोलते हैं एलाइलिक पोजिशन, एलाइलिक पोजिशन। अगर वहां पे हैलोजन जोड़ देंगे इसको हम बोल देते हैं एलाइलिक हैलाइड। ये डबल बॉन्ड है और इसके बगल में यहां पे जोड़ देते हैं इसको हम बोल देंगे एलाइलिक क्लोराइड। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोल देते हैं एलाइलिक हैलाइड। और सुनिएगा, एक होता है फिनाइलिक, फिनाइलिक हैलाइड इसको बोलते हैं। तो विनाइल ग्रुप किसको कहते हैं, तो समझिएगा, सब स्पेशल नेम है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। डबल ए सी एच टू सी एच टू, और अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो आ जाएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप है, विनाइल। और उसी पे अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो विनाइल हैलाइड आ जाएगा। विनाइल हैलाइड, डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन को हम बोल देते हैं विनाइलिक पोजीशन, और उसपे अगर हैलोजन जोड़ देंगे तो उसको हम बोल देते हैं विनाइल हैलाइड। हाँ, तो जैसे इस पे अगर हम चर्चा कर लेते हैं, ये वाला पोजीशन है और यहां पे ही अगर हैलोजन जोड़ देंगे तो इसको हम बोल देते हैं विनाइल हैलाइड। मैंने डबल बॉन्ड वाले कार्बन को बोल देते हैं विनाइलिक पोजिशन, और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम बोल देते हैं एलाइलिक पोजिशन। एक और होता है बाबू बेंजाइलिक पोजिशन, बेंजाइलिक पोजिशन किसको बोलते हैं, या बेंजाइल हैलाइड किसको बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। तो देखो टॉलिन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, ये टॉलिन है जी, है ना, टॉलिन से एक हाइड्रोजन निकालिए और ये वाला पोजिशन को हम बोल देते हैं, हाँ ये वाला पोजिशन को बोल देंगे टॉलिन था, ये सी बेंजीन पे सी एच थ्री होता है, इसका एक स्पेशल नाम होता है टॉलिन होता है। तो टॉलिन से अगर एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये इस वाले को हम बोल देते हैं बेंजाइल है, और बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर हैलोजन जोड़ देंगे तो इसको हम बोल देते हैं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल किसको बोल दिए आप, समझ में आ गया, बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन को। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि ये मान लिया जाए बेंजीन है और बेंजीन के बगल में ये भी है और ये भी है, यहां पे हम बोलेंगे ये दोनों बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं, और उस पे अगर हैलोजन जोड़ देंगे इसको हम बोल देते हैं बेंजाइल हैलाइड है ना, बेंजाइल हैलाइड। आप समझ में आ गया कि बेंजीन से नहीं टॉलिन से अगर एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो उस पोजिशन को हम बोल देते हैं, यहां पर इस पोजिशन को बोलेंगे बेंजाइलिक पोजिशन है, और इस पर अगर हैलोजन जोड़ देंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा, अगर यहां पे अल्कोहल जोड़ देंगे तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर, तो बेंजाइल कहते किसको है, बेंजीन के जस्ट बगल में, टॉलिन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो तीन नाम यहां पे हो गया। क्लियर कर लीजिए, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन को हम बोल देते हैं एलाइलिक है, डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन को हम बोल देते हैं विनाइलिक है, और बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोल देते हैं बेंजाइलिक है। क्लियर कर लीजिए नाम को, हाँ क्योंकि नाम आपको याद रहेगा तो काम आ गया आपका, आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब नॉमेनक्लेचर का ही बात है, नाम को ध्यान देना है आपको, है ना। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं डाइहैलाइड, और एक होता है विसिनल डाइहैलाइड, इसको भी थोड़ा सीख लेते हैं हम लोग। तो जेमिनल बोलते अगर एक ही कार्बन पे दो गो हैलोजन आ जाए, जैसे ये है और इस कार्बन पे दो गो हैलोजन डाल देते, इसको हम बोल देते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो गो हैलोजन होगा, और विसिनल कहने का मतलब होगा जस्ट बगल वाले कार्बन पे दो गो हैलोजन होगा, तो इसको हम बोल देते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब होगा जस्ट बगल वाले कार्बन पे दो गो हैलोजन होगा, तो उसको हम बोल देते हैं विसिनल डाइहैलाइड।
जेमिनल हो गया और ये विजनल का मतलब हो गया कि बगल वाला यहां है तो एक इस पे जस्ट बगल पे, इसको हम बोल देंगे विजनल डाइहेलाइड। तो जेमिनल डाइहेलाइड और विजनल डाइहेलाइड समझ गए। जेमिनल का मतलब होगा एक ही कार्बन पर दो हैलोजन, और विजनल का मतलब होगा बगल वाले कार्बन पर दो हैलोजन। ठीक है ना, कि आपको यह बताया गया था कि डोनर जो था वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता था और एक्सेप्टर जो था वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर यहां पे मान लिया मोनो सब्स्टिट्यूट है, कोई एक ही डोनर है तो एक्सेप्टर तो काम हो जाएगा। अगर इसमें दो दो ग्रुप लग गया, मान लीजिए यहां OH है और यहां NO2 है, एक डोनर है, OH के बारे में आपको पता है कि ये डोनर है और NO2 के बारे में ये भी पता है कि एक्सेप्टर है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना होगा कहां ले जाके जोड़ेंगे, तो डोनर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को बढ़ाता है, एक्सेप्टर जो होता है वो घटाता है, यानी डोनर को प्रायोरिटी मिलेंगे। तो ये बोलता है ऑर्थो पारा, यानी यहां यहां और यहां पे ले जाके जोड़ेंगे, जबकि एक्सेप्टर बोलता है मेटा पोजीशन पे जो नहीं करेंगे यहां पे काम, है ना। तो हम लोग अगर एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा तो उस कंडीशन में हम डोनर को प्रायोरिटी में लेते हैं, माना इलेक्ट्रोफाइल इसके रिस्पेक्ट में या तो यहां जोड़ सकते हैं या यहां जोड़ सकते हैं, ऐसे ये कहना चाह रहे थे कि डोनर और एक्सेप्टर दोनों लगा रहेगा तो उस कंडीशन में हम डोनर को प्रायोरिटी में लेते हैं। दूसरा बात ये बताते हैं कि अगर दोनों डोनर लगा रहे, जैसे बेंजीन पे दो ग्रुप है, मान लो कि एक जगह OH है और दूसरा जगह CH3 है, दोनों क्या करता है, ये भी डोनर है और ये भी डोनर है और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है इसमें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो OH जो होगा इसके बारे में हम ये बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग डोनर है और इसके बारे में हम बोलेंगे ये वीक डोनर है ना, ये स्ट्रॉन्ग डोनर है और ये वीक डोनर है। डोनर क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग डोनर तो ज्यादा बढ़ाएगा, ये बोलेगा यहां पे जोड़ने के लिए और यहां पे जोड़ने के लिए, ये बोलेगा यहां पे जोड़ने के लिए और यहां पे जोड़ने के लिए, जो नहीं होगा क्योंकि डोनर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को बढ़ाता है। अगर दो दो डोनर लाएगा तो स्ट्रॉन्ग डोनर को फेवर में मीन्स OH के रिस्पेक्ट में यहां पे ग्रुप को जोड़ेंगे, ये कहेगा यहां पे जोड़ सकते हैं, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करिए, या यहां पे जोड़ सकते थे, एक ही प्रोडक्ट। तो हम दो कंडीशन देखेंगे, अगर डोनर एक्सेप्टर रहेगा तो डोनर को फेवर करते हैं, अगर दोनों डोनर रहेगा तो हम लोग स्ट्रॉन्ग डोनर को फेवर करते हैं। तीसरा बात ये बताते हैं कि दोनों एक्सेप्टर लगा रहेगा, जैसे CHO और NO2 है और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है इसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता था, कोई भी प्लस चार्ज हो सकता था। अब यहां पे हम बोलेंगे ये एक्सेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को घटाता है, ये ज्यादा घटाएगा ये कम घटाएगा, क्योंकि हमको पता है कि NO2 और CHO में NO2 स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर होता है, माइनस एम ऑर्डर ऐसा कुछ आपको बताया थे, मेसोमेरिक इफेक्ट में देखेंगे इसको। तो आप ये समझ लो कि ये वाला वीक एक्सेप्टर है और ये वाला स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, इसके रिस्पेक्ट में जुड़ेंगे और एक्सेप्टर का था मेटा पोजिशन पे, यहां पे आके जुड़ेगा, मीन्स इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा CHO यहां पे इलेक्ट्रोफाइल और यहां पे NO2, हालांकि ये भी दोनों एक ही पोजीशन को बोल रहा था, इसके रिस्पेक्ट में भी यहां आता है, इसके रिस्पेक्ट में भी यहां आता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाला बात ले लीजिए तो ज्यादा मजा आएगा। एक्सेप्टर और यहां पे एक्सेप्टर,
और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना होगा, तो ये बोलेगा यहां पे आने के लिए और ये कहेगा यहां पे आने के लिए। CHO के रिस्पेक्ट में यहां पे बात कहेगा और NO2 के रिस्पेक्ट में यहां पे, लेकिन हम CHO को फेवर करेंगे क्योंकि वीक है ना, तो वीक एक्सेप्टर को फेवर करते हैं। यहां पे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल यहां आ जाएगा और ये NO2 रहने दीजिए, इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीका से आप बोल सकते हैं कि एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को घटाता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, डोनर जो होता है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को बढ़ाता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लियर? तो इस तरीका से इसको बात को आप समझ लो।